फ्री फायर बैन होने के न्यूज के बाद बहुत सारे बंदे जो है वीपीएन का यूज कर रहे हैं अपना आईडी लॉगिन करने के लिए। मतलब उनका आईडी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो वो बंदे वीपीएन का यूज करके जो है अपना आईडी लॉगिन कर रहे हैं, वो मस्त खेल रहे हैं। लेकिन भाई, क्या आपको लगता है कि वीपीएन यूज करने से आपका आईडी सेफ है? तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता वीपीएन यूज करने से क्या आपका आईडी बैन भी हो सकता है या फिर नहीं, तो आगे देखते रहो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। टॉप 5 डेंजरस मिस्टेक डेट विल बैन योर आईडी। जी हाँ गाइस, इस सीरीज का ये सेकेंड एपिसोड होने वाला है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताया बहुत सारे मिस्टेक जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए अगर आपका आईडी सेफ रखना चाहते हो, एंड बहुत सारे गलतियां जो आप लोग जाने अनजाने में करते हो जिसकी वजह से आपका आईडी बैन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है। तो भाई, इस वीडियो को देखना एंड तक। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे गाइस 5 मिस्टेक पता चलेगा जो कि आप लोग जाने अनजाने में करते हो फ्री फायर खेलने के वक्त, जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप इसे करते हो देन आपका आईडी जो है बैन भी हो सकता है। तो वीडियो को देखते रहो एंड तक, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना, क्योंकि भाई फ्री फायर से रिलेटेड आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलता रहता है। तो आते हैं हमारे टॉप 5 नंबर लिस्ट में जो गाइस डेंजरस मिस्टेक आता है जो आपको नहीं करना चाहिए अगर आप एक फ्री फायर प्लेयर हो, एंड जो कि बहुत सारे बंदे करते हैं जाने अनजाने में। सही, ठीक है। वो क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे रैंक पुश करने के लिए, जल्दी जल्दी रैंक पुश करने के लिए, ग्रैंड मास्टर जाने के लिए हैकर्स के साथ वो लोग रैंक पुश करते हैं। ठीक है, वो खुद तो अपने आईडी में हैक नहीं लगाता क्योंकि उनको पता होगा कि आईडी में हैक लगाने के बाद आईडी बैन हो जाता है। तो वो क्या करता है कि किसी एक दोस्त को बोल देता है कि भाई तू हैक लगा के आ, एंड उसके बाद जो है तू हमको पुश करा। ठीक है, तू सारे बंदों को मार देना, हम लोग लास्ट के एक दो किल करेंगे, उसके बाद जो है बुया कर लेंगे एंड इजिली रैंक यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड इजिली जो है ग्रैंड मास्टर पहुंच जाएंगे। तो ये होता है हैकर्स के साथ रैंक पुश करने से, मतलब रैंक प्लस तो होता है लेकिन भाई आपके आईडी में बहुत ही ज्यादा एक खतरा आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका आईडी जो है यहाँ पे बैन भी हो सकता है। जी हाँ गाइस, बहुत सारे बंदे ये करते हैं आई नो, लेकिन आपको जो है ये फ्री फायर प्लेयर होने की वजह से नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई इसकी वजह से अगर आप लोग, मतलब आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई हम तो हैक नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है, हमारा टीममेट ही हैक यूज़ कर रहा है, टीममेट हैक यूज़ कर रहा है, लेकिन भाई आप भी उसी टीममेट के अंदर हो। ठीक है, तो जो भी बंदा रिपोर्ट करेगा वो, मतलब यहाँ पे एक रिपोर्ट अगर जाएगा तो वो ऑलमोस्ट गाइस चारों बंदे को रिपोर्ट चेक होता है। ठीक है, कि भाई इन लोगों ने क्या कुछ किया है कि नहीं, तो जिसकी वजह से जो है आपका आईडी भी यहाँ पे जो है सस्पेंड हो सकता है, बैन हो सकता है। तो भाई ऐसी गलती करो ही मत। ठीक है, मतलब थोड़े से रैंक प्लस के लिए खुद ब खुद यहाँ पे आप लोग प्लस कर सकते हो रैंक, तो क्यों ही भाई यहाँ पे हैकर्स के साथ जो है रैंक पुश करके जो है यहाँ पे आपके आईडी में खतरा लगाना है, समझ रहे हो ना। तो भाई अभी आते हैं मैं टॉप 4 नंबर लिस्ट में जो गाइस डेंजरस मिस्टेक आता है जो कि बहुत सारे बंदे, मैक्सिमम 90% बंदे फ्री फायर के वो लोग इस गलती को करते हैं। ठीक है, 10% ही ऐसे बंदे होंगे जो करने से डरते हैं। तो भाई ये मिस्टेक क्या है कि जब कभी भी फ्री फायर में कुछ ऐसा डायमंड का ग्लिच होता है, ठीक है, रिसेंटली आपको पता होगा एक इवेंट में डायमंड का ग्लिच हुआ था जिसमें गाइस आपको डबल डायमंड्स मिल रहे थे, तो ये ग्लिच करने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका आईडी जो है रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। ठीक है, जिसके आईडी में रेस्ट्रिक्शन लग जाता है एंड जितना डायमंड उन लोगों ने गरीने से फ्री में लिया है उनको जो है उतना डायमंड देना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये है कि गाइस आप लोगों को ऐसे जो भी डायमंड ग्लिचेस आए फ्री फायर के अंदर, इवेंट्स आए या फिर कुछ भी आ जाए टॉप अप इवेंट के अंदर, अगर आपको फ्री में डायमंड्स मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लालच में आके डायमंड्स बिल्कुल भी मत लेना गरीना से ज़्यादा। मतलब आप लोग सोच रहे कि भाई मैं यहाँ पे 1-2 लाख डायमंड ले लूँगा एंड मतलब मेरा तो भाई हो गया यहाँ पर, ठीक है, गरीना का लॉस होगा, तो भाई गरीना जो है अपना लॉस को जरूर से रिकवर करेगा, समझ रहे हो। तो वो जो है यहाँ पे आपकी आईडी में रेस्ट्रिक्शन लगा देगा एंड जितना डायमंड आप लोगों ने लिया है उस इवेंट से या फिर गरीना से आपको जो है उतना डायमंड पे करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आपका आईडी खुलेगा, समझ रहे हो। तो ये होता है भाई, अगर आप लोग के मतलब यहाँ पे इवेंट्स में कुछ आ रहा है डायमंड ग्लिच जिसकी वजह से आप लोग डायमंड ले सकते हो, लेकिन भाई आप लोग ये गलती मत करना। एंड अगर यहाँ पे आप लोग एक और इंसिडेंट जानते होंगे, पाकिस्तान सर्वर में हुआ था, मतलब बहुत सारे बंदे टॉप अप इवेंट में एक ऐसा ग्लिच हुआ था, ठीक है, वो लोग टॉप अप कर रहे थे लेकिन भाई उनको पैसा देना नहीं पड़ा था एंड बहुत सारे बंदे जो है लाखों लाखों बेजेस भी ले रहे थे, ठीक है, मतलब कितने लाखों डायमंड्स यहाँ पे वो लोग फ्री में मिल गए उन लोगों को, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, जब गरीना को पता चला तो वो लोग सारे जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दिए उनके आईडी में, समझ रहे हो। तो ये ही होगा आखिरकार में, तो ऐसे गलती मत करना। टॉप 3 नंबर लिस्ट में जो गाइस हमारे डेंजरस मिस्टेक आता है ये है कि क्राफ्टलैंड में आप लोगों को पता होगा जो कि हम लोग खुद का एक मैप क्रिएट कर सकते हैं क्राफ्टलैंड में, ठीक है, एंड उसके बाद जो है उसको खुद का स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं, खुद के डिजाइन से बिल्ड कर सकते हैं। तो उसमें भी अगर कोई एब्यूसिव जैसा मतलब कुछ हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट नेम हो या फिर इनअप्रोप्रिएट मैप यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हो किसी ने, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा मैप जो कि मतलब ड्रॉ करना नहीं चाहिए, किसी रिलीजन पे बेस्ड है, समझ रहे हो, तो ऐसा मैप जो कि मतलब किसी को यहाँ पे हर्ट होता है या फिर किसी रिलीजन को डिफेम करता है, किसी को डिफेम करने के लिए ऐसा जो कि मैप ड्रॉ ना कर दे या फिर उसका नेम ना मतलब लिख दे वहाँ पे, तो इसकी वजह से भी आपका आईडी जो है यहाँ पे बैन हो सकता है। ठीक है, इसका भी रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है,
तो यस, ये भी गलती आपको नहीं करना है। अगर आप क्राफ्टलैंड में ड्रॉ करते हो या फिर क्राफ्टलैंड मैप में आपका खुद का जो है मैप बनाते हो, देन ऐसे कोई भी, याद रखना, मैप बनाओगे मतलब कुछ भी ऐसा साइन बनाओगे, कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ बनाओगे, उसमें कोई भी किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी को डिफेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी आ जाता है मैं टॉप 2 नंबर लिस्ट में, जो गाइस यहाँ पे आता है मिस्टेक जो कि आपको नहीं करना चाहिए अगर आप एक फ्री फायर प्लेयर हो, तो ये है कि भाई बहुत सारे बंदे, आपको पता होगा कि फेमस नेम होते हैं हमारे इंडियन सर्वर के अंदर या फिर किसी भी सर्वर के अंदर, किसी का नेम होता है लाइक यहाँ पे अज्जू भाई मान के चलो, रायस्टार मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे मतलब कोई भी फेमस नेम मान के चलो फ्री फायर क्रिएटर या फिर फ्री फायर प्लेयर, तो उसका नेम जो है बहुत सारे बंदे कॉपी कर लेते हैं एग्जैक्ट एंड वो लोग रख देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक स्पैम हो जाता है, वो नाम जो है स्पैम के अंदर आ जाता है, ठीक है। एंड इससे भी यस, आपके आईडी में एक खतरा आ सकता है, मतलब अगर मतलब कोई ओरिजिनल बंदे ने यहाँ पे मान के चलो अज्जू भाई, इनका खुद का नाम अज्जू भाई है, लेकिन यहाँ पे जो है हजारों बंदे और अज्जू भाई नाम लिख लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है वो नाम कहीं पे स्पैम में चला जाएगा, एंड जिसकी वजह से ग्रीना को लगेगा कि यहाँ पे जो है कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से यस, आपके आईडी में रियल आईडी को तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट उसी बंदे ने लिखा था, बट उसके बाद जिसने भी मतलब ये सब लिखा है, ठीक है, तो हो सकता है सबका नहीं लेकिन किसी किसी का यहाँ पे गिने चुने बंदों का मतलब आईडी जो है खतरा हो सकता है आईडी में, ठीक है, तो उसके आईडी मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, सस्पेंड हो सकता है या फिर बैन भी हो सकता है, तो भाई ऐसी गलती भी मत करना। आई नो ये मतलब थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे जो है भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सब होता है, ठीक है, किसी किसी का जो है फेक नाम रखने से या फिर सेम नाम रखने से भी मतलब, ठीक है, एज इट इज मतलब किसी बड़े क्रिएटर का सेम नाम रखने से भी आईडी में खतरा आता है, तो ये बात मैंने एक बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में बहुत पहले ही, बट फिर भी अभी के टाइम में बोल देता हूँ। तो भाई फाइनली जो है अभी आते हैं मैं टॉप 1 नंबर लिस्ट में, जो गाइस यहाँ पे डेंजरस मिस्टेक है जो कि आपको नहीं करना चाहिए, एंड ये रिसेंटली बहुत सारे बंदे कर रहे हैं लाइक वीपीएन का यूज करना। जी हाँ गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि अभी के टाइम पे फ्री फायर का बैन न्यूज आपको पता होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे बंदों में जो है फ्री फायर नहीं चल रहा है, यहाँ पे बीच में एयरटेल सिम से नहीं चल रहा था फ्री फायर, ठीक है, अभी तो फिलहाल चल रहा है, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जिसका किसी किसी आईडी में जो है फ्री फायर नहीं लॉगिन हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ इरोर आ रहा है, तो इसकी वजह से बंदे क्या कर रहे हैं कि भाई गेम को चलाने के लिए, गेम खेलने के लिए वो लोग वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या करता है वीपीएन कि आप लोग मतलब यहाँ पे सर्वर चेंज करके खेल सकते हो लाइक, ठीक है, तो ये सीन होता है। एंड भाई वीपीएन जो है यूज़ करना फ्री फायर के अंदर एक हिसाब से मैं बताऊँ तो एक ये थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक है, एंड फ्री फायर साफ बोलता है कि किसी भी अगर आप लोग थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करते हो देन आपके आईडी में खतरा है, आपका आईडी जो है बैन हो सकता है, ये बहुत पहले फ्री फायर ने बोल दिया है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे आप अगर मतलब यहाँ पे फ्री फायर आपका आईडी में लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर कुछ इरर आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो, पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ग्रीना खुद काम कर रहा है यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि भाई ये जो चीज़ है पूरे इंडिया के अंदर है एंड सिर्फ आपका ही नहीं मतलब बहुत सारे बंदों का भी ऐसा चीज़ हो रहा है, तो इसी वजह से मैं तो बोलूँगा भाई आप लोग वेट करो, ठीक है, ना कि यहाँ पे वीपीएन का यूज़ करो। जो भी क्रिएटर बोल रहे हैं आपको कि भाई वीपीएन का यूज़ करो, यहाँ पे जो है आपका आईडी ओपन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, आप लोग खेल सकते हो इजीली मक्कन के तरीके से, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना मेरी बातों पर, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है आपके आईडी में खतरा आ सकता है क्योंकि वीपीएन एक थर्ड पार्टी ऐप है, एंड ग्रीना खुद बोलता है कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप जो है यूज़ मत करना फ्री फायर खेलने के वक्त, ठीक है। इससे बहुत सारे और भी आया था पहले, आपको पता होगा ड्रेस चेंज करने वाला ग्लिच भी, ठीक है, मतलब ऐसे एक ऐप आया था आपको पता होगा जो कि ड्रेस चेंज कर देता था, ठीक है, मतलब आपको ही दिखाई देगा ये जो मतलब इसकी वजह से भी बहुत सारे बंदों का आईडी बैन हुआ था बीच में, ये बहुत पहले की बात है, आज से 3 साल पहले की बात है, ठीक है, पता नहीं मेरे को ऐप का नाम मैं भूल गया, लेकिन हाँ ये हुआ था, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ भाई मतलब वीपीएन का यूज़ मत करो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वीपीएन का यूज़ करने से भी आपका आईडी में बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, 90% चांस है कि आपका आईडी बैन भी हो सकता है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।